दोस्तों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है कि नीच भंग क्या होता है और नीच भंग राजयोग क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नीच भंग वो होता है जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है और उस ग्रह को की राशि जो है उसका स्वामी अगर उसको देखे तो उसकी नीचता भंग हो जाती है। और नीच भंग राजयोग वो होता है जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है और उसका जो ऊंच का ग्रह होता है वो उसी राशि में आकर बैठता है तो वो नीच भंग राजयोग कहलाता है। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि नीच भंग राजयोग जो है आपका, जैसे आपके कुंडली में स्थान रहते हैं छठा आठवां बारहवां, तो हमें नीच भंग राजयोग जब हम इन घरों में बनता है तो हमें अवॉइड करना चाहिए, इसके फल को 1/4 ही समझना चाहिए। नीच भंग का जो शुभ प्रभाव रहता है वो आपका केंद्र स्थान और आपका त्रिकोण स्थान में 100% रहता है। शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य यहाँ पे तुला राशि में नीच के बैठे हुए हैं। अब हम ये देखेंगे कि सूर्य में आपका नीच भंग कैसे बनता है। अगर शुक्र यहाँ पे मेष राशि में बैठा हुआ है तो शुक्र तुला राशि का स्वामित्व शुक्र के पास होता है। अगर शुक्र यहाँ पे तुला राशि को देखते हैं सेवन दृष्टि से तो ये सूर्य की नीचता भंग हो जाती है, मीन्स ये आपका नीच भंग बनेगा। सूर्य यहाँ पे इतना अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। अब हम आते हैं नीच भंग राजयोग कैसे बनता है सूर्य के ऊपर। नीच भंग राजयोग मीन्स कि वो बेहतर काम करेगा और एक राजयोग की तरह ही काम करेगा। शनि अगर सूर्य के साथ अगर बैठ जाते हैं यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे कि सूर्य नीच का है तुला राशि में और शनि तुला राशि में ऊंच का रहता है, तो ऐसी स्थिति में ये नीच भंग राजयोग बनेगा। एक और परिस्थिति भी हो सकती है, जैसे आपका शनि मेष राशि में आ जाता है यहाँ पे, अब शनि की सूर्य के ऊपर सातवीं दृष्टि है एंड सूर्य की भी शनि के ऊपर सातवीं दृष्टि है। शनि यहाँ से तुला राशि में अपने घर को ऊंच देख रहे हैं क्योंकि शनि तुला राशि में ऊंच के होते हैं एंड सूर्य मेष राशि में ऊंच के रहते हैं, सूर्य की यहाँ पे सप्तम दृष्टि है, तो ये भी आपका नीच भंग राजयोग बनता है। और यहाँ पे ये राशि परिवर्तन राजयोग भी बनता है क्योंकि सूर्य शनि के ऊंच घर में है और शनि सूर्य के ऊंच घर में है। अब हम आ जाते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा आप हमारा वृश्चिक राशि में नीच का रहेगा। अब हमें यह देखना है कि चंद्रमा की नीचता कैसे कैसे भंग होती है या राजयोग कैसे बनता है। चंद्रमा के ऊपर अगर मंगल की दृष्टि रहती है तो ये आपका नीच भंग बनेगा। मंगल की दृष्टि जो रहती है, मंगल की तीन दृष्टियां रहती है आपकी, चौथी दृष्टि, सातवीं एवं आठवीं दृष्टि। तो यहाँ पे अगर मंगल इन घरों में अगर कहीं पे भी चला जाता है, दिस हाउस एंड दिस हाउस, जैसे कि हम यहाँ से काउंट करेंगे चंद्रमा की तरफ, तो ये आपकी एट्थ हाउस में दृष्टि हुई और यहाँ पे सेवन्थ में और यहाँ पे फोर्थ में, तो मंगल की तीनों दृष्टियाँ, अगर मंगल इधर ऑफ द प्लेसेस में चला जाता है तो ये आपका नीच भंग राजयोग बनेगा। नीच भंग बनेगा, नॉट राजयोग। एंड अगर ये नीच भंग राजयोग बनना हो तो कैसे बनेगा। अगर मंगल अपने घर में चला जाता है यहाँ पे, अपने घर में स्वयं बैठ जाता है तो ये नीच भंग राजयोग बनेगा। यहाँ पे चंद्रमा नीच का है और मंगल भी अपने घर में ऊंच का बैठा हुआ है तो ये नीच भंग राजयोग बनेगा।
मंगल के ऊपर आ जाते हैं, मंगल कर्क राशि का नीच, अब यहां पर आपका जो चंद्रमा है अगर मंगल को सेवन दृष्टि से देखता है तो ये नीच भंग बनेगा। चंद्रमा सेवन दृष्टि से अगर दृष्टि जो रहेगी तो ये सिक्स हाउस से रहेगी, तो चंद्रमा अपने घर को देख रहा है, चंद्रमा का स्वामित्व है कर्क राशि पे, तो ये मंगल की नीचता को भंग करता है, मीन्स ये आपका नीच भंग बनेगा। अगर यही चंद्रमा अगर मंगल के साथ चला गया, जैसे हम पहले कंडीशन भी देख रहे थे मंगल वाली, तो अगर यहाँ पे चला जाता है तो ये नीच भंग राजयोग बनेगा। लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि नीच भंग राजयोग छठे आठवें बाहर में घरों में इनको अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पे ये शुभ फल नहीं देते हैं। अब हम बुध के ऊपर आएंगे। बुध मीन राशि में नीच के हैं, बुध के ऊपर अगर शुक्र की दृष्टि रहेगी, शुक्र की दृष्टि सातवीं रहती है, अगर आप देखेंगे तो शुक्र यहाँ पे सातवीं दृष्टि को बुध को देख रहे हैं, तो यहाँ पे शुक्र अपने घर को देख रहे हैं। शुक्र मीन राशि में हमेशा ऊंच के रहते हैं और बुध मीन राशि में बेशक नीच के हैं, लेकिन बुध की जो ऊंच राशि रहती है वो कन्या रहती है और ये मूल त्रिकोण राशि भी रहती है, तो बुध यहाँ पे बुध की दृष्टि अपनी राशि पे है, तो यहाँ पे ये नीच भंग राजयोग बनेगा। एंड साथ में आपका ये राशि परिवर्तन राजयोग भी बनता है। अगर यहाँ पे शुक्र को हम यहाँ पे लेके चले जाते हैं तो भी ये दोनों साथ में हैं, इस केस में भी ये नीच भंग राजयोग बनेगा। जुपिटर बृहस्पति गुरु के केस में आपका शनि अगर अपनी मकर राशि को अगर देखता है तो ये नीच भंग बनेगा। शनि की तीन दृष्टियां होती हैं, थर्ड सेवेंथ एंड टेंथ। अगर हम थर्ड की बात करें तो शनि अगर यहाँ पे भी रहेंगे और गुरु को देखते हैं अपनी राशि को, तो गुरु की नीचता यहाँ पे भंग हो जाती है, मीन्स यहाँ पे गुरु नीच का काम नहीं करेंगे। सिमिलरली अब हम मंगल के ऊपर आ जाते हैं। मंगल अगर कर्क राशि से अगर गुरु को देखते हैं तो आप देखेंगे कि मंगल यहाँ पे मकर राशि मंगल की ऊंच की होती है और गुरु की कर्क राशि ऊंच की होती है, तो यहाँ पे गुरु और मंगल एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं सेवन दृष्टि से और एक दूसरे की राशि को देख रहे हैं, तो ये नीच भंग राजयोग बनेगा। अगर यही मंगल आपका अगर ये गुरु के साथ भी चला जाता है, यहाँ पे अगर मंगल नीच का हो जाता है तो भी ये नीच भंग राजयोग बनेगा। लेकिन जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि मंगल जैसे कि छठे आठवें घर में हमें नीच भंग राजयोग को अवॉइड करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम शुक्र के ऊपर। शुक्र कन्या राशि का नीच में रहेगा, अगर शुक्र के ऊपर बुध की दृष्टि रहती है, यहां पे अगर नोट करेंगे बुध भी यहां पे नीच का है, तो यहां पे एक तो राशि परिवर्तन नियोग बना है। हम इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, हमारी ये जो वीनस की एंड मर्करी की जो कंडीशन है ये सेम ही रहेगी शुक्र के ऊपर एंड बुध के ऊपर। अब हम शनि के ऊपर आ जाते हैं। शनि मेष राशि का नीच है हमारे पास, मंगल की जो स्वराशि रहती है वो मेष राशि रहती है, तो अगर मंगल
की जो दृष्टि है, चौथी, सातवीं, आठवीं, अगर मंगल इन दृष्टियों से कहीं से भी अगर मेष राशि को प्रभावित करता है तो शनि की निष्ठा भंग हो जाती है। जैसे अगर हम मंगल की फोर्थ दृष्टि लेके चलें तो मंगल यहाँ से फोर्थ हाउस को देखेंगे तो ये निष्ठा भंग हो जाती है शनि की। शनि यहाँ पे अशुभ फल दे नहीं दे सकते यहाँ पे। लेकिन अगर यही आपका, अगर हम ये हमारा बनता है नीच भंग, नीच भंग राजयोग के लिए शनि, सॉरी यहाँ पे शनि हम मेष राशि मान लेते हैं, यही अगर आपकी तुला राशि का अगर सूर्य रहता है यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे कि सूर्य यहाँ पे नीच का है एंड शनि यहाँ पे भी नीच का है, तो शनि अपनी ऊंच राशि को देख रहा है एंड सूर्य अपनी ऊंच राशि को, तो यहाँ पे भी हमारा नीच भंग राजयोग बनेगा और ये राशि परिवर्तन राजयोग भी बनता है। ये कंडीशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, शनि की सूर्य के साथ ये सेम कंडीशन यहाँ पे भी बनती है। दोस्तों ये था हमारा नीच भंग एवं नीच भंग राजयोग। इसके जो बाद में जो टॉपिक हमारा रहेगा, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि नवांश कुंडली से नीच भंग राजयोग कैसे बनता है और अष्टक वर्ग कैसे सहायता करते हैं नीच भंग राजयोग बनाने में, और उसके बिंदु कितने होने चाहिए और कितने बिंदुओं से आपका नीच भंग राजयोग बनेगा। तब तक शुक्रिया, थैंक यू एंड वंदे मातरम।